हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी बाय सुकन्या श्रीवास्तव। सो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं बीए सिक्स सेमेस्टर मास आकुमरी यूनिवर्सिटी इंग्लिश पेपर टू, जिसका टाइटल है मीडिया एंड जर्नलिस्टिक राइटिंग। ये पेपर हुआ है 27 जून 2024 को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली रिकोगनाइज प्रिंसिपल ऑफ एडिटिंग? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। सेकेंड क्वेश्चन है, वॉट डज एन एडिटोरियल पॉलिसी डिफाइन? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, द गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल्स दैट गवर्न एडिटोरियल डिसीजन मेकिंग। थर्ड क्वेश्चन है, वाई इज एन एडिटोरियल पॉलिसी इम्पॉर्टेंट इन जर्नलिज्म? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, वॉट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ न्यू एडिटर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट स्किल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ न्यूज़ एडिटर? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। सिक्स क्वेश्चन है, व्हाट क्वालिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट फॉर अ चीफ सब एडिटर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। सेवेंथ क्वेश्चन है, व्हाट डज अ सब एडिटर रिपोर्ट टू? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो होगा सी, द चीफ सब एडिटर। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ एन एडिटर इन द एडिटिंग प्रोसेस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। नाइन्थ क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग इज अ फॉर्म ऑफ? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दीज। एंटरटेनमेंट के लिए भी कर सकते, कम्युनिकेशन के लिए भी, और मार्केट एनालिसिस। और फिर उसके बाद टेंथ क्वेश्चन है, एडवर्टाइजमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। इलेवेंथ क्वेश्चन है, एडवर्टाइजिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, ऑल ऑफ दिस। ट्वेल्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ एन एडवर्टाइजर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। थर्टीन क्वेश्चन है, हाउ डू एडवर्टाइजर्स रीच देयर टारगेट ऑडियंस? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी। फोर्टीन क्वेश्चन है, व्हाट रोल डज क्रिएटिविटी प्ले इन एडवर्टाइजिंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो फिफ्टीन क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, द एडवर्टाइजर्स। सिक्सटीन क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एडवर्टाइजिंग? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, नन ऑफ दीज। अब चलते हैं सेवनटीन क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ एन एडवर्टाइजमेंट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा अ प्रमोशनल मैसेज, ए। एटीन क्वेश्चन है, हाउ डू एडवर्टाइजर्स मेजर द सोर्स ऑफ एन एडवर्टाइजमेंट? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, बाय एनालाइजिंग सेल्स डेटा एंड कंज्यूमर रिस्पॉन्स। नाइनटीन क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज़ अ स्टोरी बोर्ड? तो 19 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ अ वीडियोस और एनिमेशन विल अनफोल्ड। 20 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया? सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, मींस ऑफ कम्युनिकेशन। 21 क्वेश्चन है, मीडिया कैन बी कैटेगराइज्ड एज? तो 21 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस। 22 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिया बायस? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। 23 क्वेश्चन है, वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ द फ्यूचर ऑफ मीडिया इज द राइज ऑफ? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 23 का सी, बोथ ए एंड बी। 24th क्वेश्चन है, द मीडिया हैज़ द पावर ऑफ टू शेप? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 25 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जर्नलिज्म टूल्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 26 क्वेश्चन है, ट्विटर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैव बिकम? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 27 क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए, फॉल्स इंफॉर्मेशन, ठीक है। 28 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ मीडिया लिटरेसी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, टू एनालाइज एंड अंडरस्टैंड मीडिया मैसेज। 29 क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा
ए 2431। 30 क्वेश्चन देख, द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल मीडिया इज आर, तो 30 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। 31 क्वेश्चन है, द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी इज, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, बोथ ए एंड बी। 32 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मीडिया, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 32 का ए। 33 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, तो 33 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, फेसबुक। ओके, 34 क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ साइबर मीडिया, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, डिजिटल कम्युनिकेशन एंड कंटेंट क्रिएशन। 35 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइबर मीडिया, तो 35 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, ऑफलाइन कम्युनिकेशन। चलते हैं 36 क्वेश्चन की तरफ। 36 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की स्किल दैट ऑनलाइन जर्नलिस्ट शुड डेवलप, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 36 का सी, बोथ ए एंड बी। 37 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एथिकल कंसिडरेशन टू ऑनलाइन जर्नलिज्म, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 38 क्वेश्चन है, द कोर स्किल इन प्रिंट मीडिया इज, तो 38 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 39 क्वेश्चन है, द वर्ड प्रेसिस कम्स फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड, तो 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। 40 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। ओके, 41 क्वेश्चन है, द की फीचर्स ऑफ अ गुड प्रेसिस आर, तो 41 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स 39 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, और 40 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, और 41 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, और बोथ ए एंड बी, और 42 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, नरेटिव पैराग्राफ्स, और 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे टिपिकली कंपोज्ड ऑफ, तो 43 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, इंट्रोडक्शन बॉडी पैराग्राफ कॉन्क्लूजन। ओके, 44 क्वेश्चन है, की एस्पेक्ट ऑफ हेडलाइन राइटिंग इन न्यूज़ रिपोर्टिंग इज, तो 44 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 45 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, शॉर्ट नरेटिव। 46 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी गोल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग इन जर्नलिज्म, तो 46 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। 47 क्वेश्चन है, बाय प्रोसेसिंग कोर स्किल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोफेशनल्स कैन नेविगेट, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 48 क्वेश्चन है, की एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग इंक्लूड, तो 48 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 49 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी। 50 क्वेश्चन, न्यूज़ प्रोडक्शन इज अ, 50 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक प्रोसेस। सो फ्रेंड्स, ये सीरीज़ आप चेक कर लीजिएगा, अलग अलग सीरीज़ होंगी तो उसमें क्वेश्चंस आगे पीछे होंगे, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, रेडियो न्यूज़ स्टोरीज आर टिपिकली, तो 51 क्वेश्चन का आंसर जाएगा ए, सॉल्टर, ठीक है। 52 क्वेश्चन है, रिपोर्टिंग इन द प्रैक्टिस ऑफ, तो रिपोर्टिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ, 52 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। 53 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, प्रोसेस ऑफ डिलीवरिंग न्यू टू ऑडियंस। 54 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, लीगल एडवाइजरी। अब चलते हैं 56 क्वेश्चन की तरफ, 55 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, सोशल मीडिया मार्केटिंग। 56 क्वेश्चन, न्यूज़ वैल्यू इज आल्सो नोन एज, तो 56 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ दी। 57 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज।
58 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी. 59 क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. 60 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी. 61 क्वेश्चन, आप वीडियो पॉज करके भी क्वेश्चंस के आंसर मैच कर सकते हैं. तो 61 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, डायनेमिक एंड मल्टीफेसेटेड प्रोसेस. और 62 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी. 63 क्वेश्चन, द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी फॉर अ रिपोर्टर इज, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी. 64 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. 65 क्वेश्चन है, फीचर राइटिंग इज अ फॉर्म ऑफ, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, जर्नलिज्म. 66 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी. अब देखते हैं 67 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी. 68 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी. 69 क्वेश्चन, द पर्पस ऑफ रिव्यूज इज द प्रोवाइडिंग रीडर्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी. 70 क्वेश्चन, रिकमेंडेशन इज बेस्ड ऑन द रिव्यूअर्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 70 का डी, ऑल ऑफ दीज. 71, हाउ डज अ कॉलम बेनिफिट रीडर्स, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. 72 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी. अब चलते हैं 73 क्वेश्चन के आंसर पे. 73 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, बोथ ए एंड बी. 74 क्वेश्चन, एडिटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ रिटन मटेरियल, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी. और फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन नंबर, द एडिटिंग प्रोसेस टिपिकली इन्वॉल्व्स स्टेज लाइक, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज. तो फ्रेंड्स, आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. और फ्रेंड्स, इसका अगर PDF आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मैं अपलोड कर दूँगी अपने, और वहाँ से आप ले लीजिएगा.